नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते सोमवार को शेयर बाजार जोरदार बढ़त पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर पहुंचे। सेंसेक्स 704 अंक ऊपर चढ़कर 42,597 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 198 अंक की बढ़त के साथ 12,461 के स्तर पर बंद हुआ। मुंबई हाईकोर्ट ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि अर्णव निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। इसके बाद अर्णव ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की। इस याचिका को भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार में मतगणना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 4 स्तरीय सुरक्षा कड़ी कर दी है। आयोग ने अर्धसैनिक बल को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सौंपी है, जबकि काउंटिंग सेंटर पर सबसे अंदर वाले कोर पर पैरामिलिट्री मद में बिहार मिलिट्री पुलिस और सबसे बाहर वाले कोर में जिला आर्म्स पुलिस तैनात की गई है। चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल के अंतिम दिनों में चीन के खिलाफ कई बड़े कदम उठा सकते हैं। ट्रंप के निशाने पर चीन हो सकता है। बता दें कि ट्रंप ने वादा किया है कि वो कोविड-19 को लेकर चीन को दंड देंगे। ऐसे में विशेषज्ञ इसके कई मतलब निकाल रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने सत्ता हस्तांतरण और नई सरकार के गठन का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने वेबसाइट और ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है। जो बाइडेन के सामने कोरोना, आर्थिक सुधार, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रमुख मुद्दे होंगे। 15वें वित्त आयोग ने साल 2021-22 में 2025-26 के लिए राष्ट्रपति कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसे आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की टीम ने तैयार किया है। इसके लिए आयोग ने केंद्र, राज्य सरकारों, गवर्नमेंट आयोग के पूर्व चेयरमैन और इसके सदस्यों सहित अन्य के सलाह को लेकर रिपोर्ट बनाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, केरल, असम, हिमाचल, तेलंगाना, राजस्थान, बंगाल, हरियाणा और आंध्रा के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हर्षवर्धन ने कोरोना को नियंत्रित करने की सलाह दी है। हरियाणा सीएम खट्टर ने राज्य के गन्ना किसानों को दीपावली का तोहफा दे दिया है। सीएम ने कहा कि किसानों की मांग के चलते गन्ने का भाव 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। सरकार इसका रेट 340 रुपए प्रति क्विंटल को बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल करेगी। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोला है। बालियान ने कहा कि सिर्फ पटाखे बंद करने से दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं होगा। दिल्ली सरकार को बड़ी इंडस्ट्री और गाड़ी वालों पर भी कार्रवाई करनी होगी। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए 3 चरणों में काउंसलिंग होगी। पहले चरण की काउंसलिंग 19 नवंबर से शुरू होगी। छात्र अपनी काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने प्रदेश की जनता को बधाई दी है। इस मौके पर सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि आज ही के दिन अटल ने उत्तराखंड राज्य बनाया था। इसके लिए राज्य की जनता की तरफ से उन्हें नमन करता हूँ। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने हिस्सा लिया। राज्यपाल मौर्य ने कहा कि राज्य 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इतने दिनों में उत्तराखंड तेज गति से आगे बढ़ा है। सीएम योगी ने दिवाली के मौके पर यूपी के हस्तशिल्प कला की जमकर तारीफ की है। सीएम ने कहा है कि राज्य के सभी जिले अपने अद्वितीय शिल्प कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इसलिए लोकल के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठाएगी। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव 2020 के दौरान वर्चुअल दीपोत्सव भी होगा। सीएम योगी ने कहा है कि ये श्री राम के उन भक्तों की मुराद पूरी करेगा जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे भक्त वेबसाइट के जरिए श्री राम लला विराजमान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सकेंगे। डीआरडीओ ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल को तैयार किया है। इसको डीआरडीओ के मुख्यालय में लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय के एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन करेंगे। एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल के बांद्रा स्थित घर पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि अभिनेता के घर ड्रग्स की तलाशी ली गई है। एजेंसी को सूत्रों के जरिए जानकारी मिली थी कि उनके घर पर ड्रग्स रखा हुआ है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस पर बड़ा दावा किया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायरस के कई ऐसे रासायनिक यौगिकों का पता चला है। इसमें 2 ऐसी प्रोटीन है जो वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और अपने जैसे दूसरे पैदा करने से रोकती है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड ने कोरोना जांच के लिए एक नई किट बनाई है। इसमें कहा गया है कि जांच किट मौजूदा परीक्षण के मुकाबले अधिक सरल और सक्षम है। इससे देश में परीक्षण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसकी हर माह 10 लाख किट बनाई जाएंगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। स्वामी ने कहा कि भारत को अमेरिका की नई बाइडेन सरकार की खुशामद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हिंदू राष्ट्रवाद का विरोधी बताया है।
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने फिर भड़काऊ बयान दिया है। महबूबा ने कहा कि बीजेपी राज्य के युवाओं से रोजगार छीनने के लिए बाहरियों को एंट्री दे रही है। जब राज्य के युवाओं के पास नौकरी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के बंदूक ही उठाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मतगणना से एक दिन पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उन्होंने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया। बिहार चुनाव में वोटों की गिनती से पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा कि सरकार बनाने का दावा करने वाले राजद एजेंट चिराग पासवान ने रामविलास के सपने वाले बंगले को जला दिया है। झारखंड कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ रांची में खेत बचाओ यात्रा निकाली है। कांग्रेसियों ने रामपुर चौक से ट्रैक्टर पर सवार होकर यात्रा शुरू की। कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र नए कृषि कानून के जरिए पूंजीवादियों की एंट्री करा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के कई निर्माताओं की याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि बॉलीवुड ने अपनी याचिका में दोनों चैनलों पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से न्यूज चलाने के आरोप लगाए हैं। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला आज एनसीबी के मुंबई दफ्तर पहुंचे हैं। एनसीबी की डेस्क की पूछताछ वाली नोटिस मिलने के बाद नाडियाडवाला अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। बता दें कि इससे पहले डेस्क मामले में नाडियाडवाला की पत्नी को विगत दिनों गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के जिम कार्बेट पार्क में मिसाल पेश की है। बलूनी ने पार्क क्षेत्र के राजमार्ग पर दो पुलों का शिलान्यास किया। पुलों का शिलान्यास उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के हाथों से करवाया है। नरेंद्र मोदी के बेटे रुचिर ने टोबैको कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी MFIO और सेबी से जांच की मांग की है। बता दें कि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया का मालिकाना हक रखने वाले के मोदी ग्रुप में पारिवारिक विवाद चल रहा है। शिवसेना ने बिहार चुनाव को लेकर सामना में लिखा है कि तेजस्वी की रैलियों को उनके राजनीतिक विरोधियों की तुलना में अच्छी प्रक्रिया मिली है। एनडीए का नाम लिए बगैर कहा गया है कि तेजस्वी के विरोधी गठन ने झूठ के गुब्बारों को हवा में छोड़ा था, लेकिन ये गुब्बारे हवा में ही गायब हो गए हैं। यूपी के भदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंद से रंगदारी मांगी गई है। सांसद से फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की गई है। साथ ही धमकी दी गई कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो उनकी और उनके बेटे की जान ले लेंगे। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीएमसी ने सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक मुंबई में पटाखा जलाने पर रोक है। सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फूलझड़ी और अनार जैसे पटाखों का उपयोग करने की छूट मिली है। ये छूट रात 8 से 10 बजे तक रहेगी। भाजपा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन नामों को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इन उम्मीदवारों में 13 लोगों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर भाजपा नेता राम माधव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित हैं। पीएम मोदी और बाइडेन संबंधों को अगले स्तर तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2020 में ये संख्या बढ़कर 70 करोड़ तक पहुंच गई है। अगले 5 साल के अंदर ये संख्या 97 करोड़ को पार कर जाएगी। इंटरनेट सेवाओं के बढ़ने और स्मार्टफोन पर इंटरनेट का उपयोग बढ़ने से साइबर अपराध की घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें एम्बुलेंस से अयोध्या से लखनऊ लाया गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है और सीने में भी दर्द है। यातायात पुलिस ने लखनऊ मैदानता तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया। जेएनयू के दिल्ली कैंपस में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अंतिम रूप दे दिया गया है। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने बताया कि विवेकानंद की प्रतिमा बनकर तैयार है। पीएम मोदी 12 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अनावरण करेंगे। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। इसमें MPhil, PhD और MSc सहित कई कोर्स शामिल हैं। कांग्रेस, बसपा और जेडीयू के 3 पूर्व सांसद और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय लखनऊ में 3 पूर्व सांसदों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा प्रसिद्ध साइकिल चालक अभिषेक सिंह भी सपा में शामिल हुए हैं। कानपुर के बजरिया से 1990 में गायब हुआ शमसुद्दीन पाकिस्तान में मिला है। पाकिस्तानी जेल ने उसे रिहा कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने अमृतसर बॉर्डर के रास्ते भारत को सौंप दिया है। सीसा मऊ के सीईओ
त्रिपुरारी पांडे ने बताया कि शमसुद्दीन के बारे में सूचना मिली है। पुलिस शमसुद्दीन के परिजनों को उनसे बात कराने में मदद कर रही है। फेस्टिव सीजन में आरबीआई के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत हो गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की ये 8वीं सीरीज है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो 13 नवंबर तक मौका है। सोने की इशू प्राइस 5177 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। राजस्थान कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी और बगावत के डर से पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की सूची गुपचुप जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी प्रत्याशियों के अलावा किसी को नहीं दी है। यहां तक मीडिया से भी यह जानकारी छिपा कर रखी गई। यूपी फिल्म विकास परिषद का दफ्तर लखनऊ में खोलने की आज से शुरुआत हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य फिल्म आयोग के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। एमपी के सीएम शिवराज ने साहूकारों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा है कि अब साहूकार अनुसूचित जाति के गरीबों के कर्ज की वसूली नहीं कर सकेंगे। अगर कोई करेगा तो उसे 3 साल की सजा दी जाएगी। वहीं सीएम ने पीड़ित की पत्नी को सरकारी नौकरी और 8,25,000 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दिल्ली के 3 नगर निगमों के कर्मचारियों ने लंबित वेतन और बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान वेतन लेने आए हैं, वेतन लेकर जाएंगे जैसे नारे लगाए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में मतगणना के बाद की रणनीति तय की गई है। शीर्ष नेतृत्व ने सभी कांग्रेस कैंडिडेट्स को पटना में एकत्रित होने का निर्देश दिया है। यूपी के उपचुनाव के नतीजे आने से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उपचुनाव में धांधली की है। उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद आपको ऐसे मतदाताओं से मिलवाएंगे जिन्हें वोट डालने से रोका गया। गोला बारूद के निर्यात की दिशा में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत अब अमेरिका के लिए कारतूस बनाने का काम कर रहा है। सरकारी उपक्रम OFV के मुताबिक अमेरिका के लिए नाटो M193 बाल कारतूस महाराष्ट्र स्थित प्लांट में तैयार कर रहा है। केरल सोना तस्करी मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 और लोगों को आरोपी बनाया है। NIA ने बताया कि 5 में से 4 आरोपी UAE में हैं और इन्हें खोजने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया गया है। इस कार्रवाई के बाद आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है। बिजनौर उत्तम सुगर मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मिल अधिकारी और किसान मौजूद रहे। पेराई सत्र शुरू करने से पूर्व पंडित राजेंद्र प्रसाद ने मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना और हवन यज्ञ करवाया। बहराइच के आबकारी विभाग ने अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है। विभाग ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। बता दें कि आयुक्त के निर्देश पर पूरे प्रदेश में काले कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कन्नौज जिले की सौरिक पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के सामान के साथ 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान से इन चोरों ने लाखों का माल उड़ाया था। कस्बे में कुछ दिन पहले ही इन चोरों ने शराब ठेके से भी चोरी की थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।